अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पंजाब से सिंध आए हुए हैं जहान खान साहब के पास। इनका किला था कि आप हमारे पास विजिट नहीं करते, आप हमें टाइम नहीं देते, तो आज इनकी मक्खियां देख के हैरानगी हुई है। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, शहद भी बना हुआ है, हालांकि हमें नहीं बताया इन्होंने शहद बना हुआ, तो ये कह रहे थे, सोच रहे होंगे कि खाने ना आ जाए कहीं, तो इसलिए अब आपको भी दिखाते हैं इनका शहद बना हुआ। वहाँ पे दो फ्रेम पड़े हुए हैं जो शहद से फुल हैं। जहान खान साहब आए, इधर आपको शहद दिखाते हैं। जी, ये देखें, ये फ्रेम सारा शहद से भरा हुआ है। थोड़े आगे आ जाएं, ये देखें, ये सारा शहद बना हुआ है इसका, और यहाँ पे भी ये सारा शहद है, ये चमक रहा है, आप देख रहे होंगे इसे। जी जी, ये सारा शहद बना हुआ है, और ये हमें बता नहीं रहे थे कहीं मेरा शहद उतार के ना ले जाए। अच्छा। ये पकड़े इसको, मैं दूसरा फ्रेम भी दिखाता हूँ आपको। इसमें वजन है बहुत। और ये दूसरा फ्रेम देखें, इसमें भी शहद बना हुआ है ये सारा। अभी तक इन्होंने हार्वेस्ट नहीं किया, पूरे ग्रुप वालों को नहीं बताया इन्होंने कि हमारे पास शहद बना हुआ है, हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफी शहद बना हुआ है इनके पास, ये तकरीबन 1.5-2 किलो 2.5 किलो शहद हो जाएगा दोनों फ्रेम में से। अब मजीद जो नीचे वाले फ्रेम्स हैं वो निकालते हैं, वो देखते हैं उनमें क्या सूरत हाल है इनकी। और जहान खान साहब, ये जो आप अक्सर वीडियोज में बोल रहे होते हैं ना कि हाइव, हाई वो है पूरा डब्बा जो होता है उसको हाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेम, फ्रेम बोलते हैं। बाकी इसको चेक करने का तरीका तो आपको आ गया है जी, वो तो आप चेक कर लेते हैं। इसको पहले ऐसे उठा के देखते हैं जी, उसके बाद फिर ऐसे आराम से इसको ऐसे देखते हैं, आराम से देख के फिर इसको बगैर झटका दिए रख देते हैं। वो तो आपको डर भी नहीं है बिल्कुल इनका, आप वैसे ही चेक कर लेते हैं। थोड़ा इधर आ जाए तो मुझे जाने दे, मैं देखता हूँ बाकी निकाल के। आप इधर खड़े हो, इधर सामने कैमरे के सामने खड़े हो, ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें कि कौन बंदा जो इतनी मेहनत से काम कर रहा है। आपने पता क्या करना है, आपने ये खाली फ्रेम उठा के सारे उसमें रख देने हैं जी, वो वाले फ्रेम जो मक्खी वाले इधर रख के जाली इधर फिट करनी है। अच्छा। जाली या कपड़ा जो भी लगाना है, मैं तो कपड़ा लगाता होता हूँ, जो रिकमेंड के करते हैं वो सर कह रहे हैं जाली लगाए तो आप जाली लगा लें, मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं कपड़ा ही लगाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी शहद बना रही हैं ये देखें जी। आप सही लग रहा है, ये आपको चमक नजर आ रही होगी सारी, ये सारा शहद बन रहा है इनका। इसके अलावा आप देखें ब्रूड इनका, कोइन भी अच्छा काम करे, ये नहीं कि सिर्फ शहद बन रहा है, कोइन भी अच्छा काम कर रही है। ये देखें, ये इनके लार्वे और एग नज़र आ रहे हैं, मतलब अंडे और लार्वे, उसके बाद ये ब्रूड भी नज़र आ रहा है। ये वाइट वाइट कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो, ये बिल्कुल अंदर देखें इनकी। और इसके अलावा ये ब्रूड है इनका, ये देखें बहुत ही अच्छा काम कर रही है कोइन, क्योंकि इनके पास नेक्टर आ रहा है। पोलन भी हम देखते हैं क्या सूरत हाल है पोलन की, मज़ीद दूसरे फ्रेम उठा के देखते हैं इनमें। जहान खान साहब, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आप कहते हैं कि हमें टाइम नहीं देते, आप सीख चुके हैं, आपको बल्कि दूसरों को सिखाना चाहिए। आगे जो दो फ्रेम है उनमें बहुत वजन है। ये देखें, ये देखें, ये नाजरीन, ये देखें थोड़ा, ये आपको नजर आए तो बिल्कुल इधर इधर दिखाएं इनको, ये सारे एग लेंग लार्वे हैं, यहाँ पे सारी एग लेंग की हुई है। ये देखें, आप भी देख लें, ये सारे ब्रीक ब्रीक जो नजर आ रहे हैं वाइट अंदर, ये सारे एग दिए हुए, आपकी कोइन बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये भी देखें, सिंध में जितने भी विजिट हो चुके हैं आपकी जितना हाई अच्छा किसी का भी नहीं है, क्योंकि आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। तो मजीद भी आके देख लेते हैं, आपकी कोइन की सूरत हाल भी देखते हैं। ये है लार्वे और अंडे से हमें ये पता चल गया आपकी कोइन मौजूद है, लेकिन फिर भी कोइन को देख लेते हैं अगर नज़र आती है तो, वैसे उसका दीदार करना मुश्किल होता है इतनी मक्खियों में। ये देखें, ये ब्रूड है इसका सारा, लार्वे भी हैं इसमें। ये देखें, ये कोइन है इनकी, कोइन है बहुत अच्छी कोइन है इनकी, ये देखें। और इंशाल्लाह ये बेरी का सीजन स्टार्ट होता है तो आपने डिवाइड भी लेना है, मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह, जैसे ये काम कर रही है डिवाइड आपने लेना है, ताकि आपके पास दो मक्खियां हो जाएं
दो वो हो जाएं, क्या कहते हैं, हाई हो जाएं, ताकि कोई भी कॉइन इधर उधर हो भी जाती है तो आपके पास दूसरा बैकअप पे कॉइन हो। इसमें शहद भी है, इस पे भी शहद था, नेक्टर खुराक बना रही है अपनी। ये भी मेरे ख्याल में आपने न्यू फ्रेम दिया था ना? जी जी। ये भी इन्होंने काम किया अच्छा, ये भी इन्होंने हाई बना लिया है, छत्ता बना लिया इसके ऊपर। ये देखें माशाल्लाह नेक्टर की भी बहुत अच्छी सूरत हाल है इनकी। सॉरी पोलन, ये पोलन देखें अभी भी मक्खियां लेके आ रही हैं इनकी टांगों के साथ, येलो येलो देखें। ये बाजरा मेरे ख्याल में खड़ा है इनका, बाजरे से लेके आ रही हैं। ये अंदर भी जखीरा किया हुआ है सेल्स के अंदर, आप देख सकते हैं। और ये देखें सारा येलो येलो, कितना फूलों के रंग का नज़र आ रहा है सेल। और यहाँ पे भी देखें ये फुल हो चुका है नेक्टर से, सॉरी पोलन से। अब जान खान साहब इस तरह करें, वो दो फ्रेम जो हैं वो मुझे उठा के देंगे। उनकी शहद गिर रही है, शायद अगर आपने निकालनी है तो निकाल लें, चम्मच लेके कोई भी चम्मच से आप यहाँ पे जो हिल किया हुआ है ना यहाँ यहाँ से उतार लें, ये ना उतारें बेशक, ये वाला खुराक के लिए छोड़ दें इनका, यहाँ यहाँ से यहाँ पे सील के वो आप शायद निकालें, हार्वेस्ट करें, ग्रुप में भी दिखाएं ताकि दूसरे मेंबर्स को मोटिवेशन हो, इनको पता चले कि उन्होंने शायद निकाला, हमने भी निकालना है, हम भी कुछ काम करें। अपने तौर पर कल निकाल लें, परसों निकाल लें, जैसे आपको मुनासिब लगे आप शायद निकालें इसमें। इसमें ज़्यादा है, दोनों में निकाल लें आप चम्मच के साथ, आपने निकाल लेना है यहाँ से ना खुरच के, किसी बर्तन को नीचे रख के यहाँ से खुरच लेना है, फिर वैसे ही जो बचेगा इसके अंदर रख देना है, तो मक्खियाँ खुद ही साफ कर लेंगे।